आदिवासी बहुल इलाके डिंडोरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने डिंडोरी की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। मामला बजाग विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाई का है। यहां मोबाइल की रोशनी में एक महिला का प्रसव कराया गया। कहा जा रहा है कि 5 दिन पहले विद्युत विभाग ने हॉस्पिटल का बिजली कनेक्शन काट दिया था। इसी के चलते बीती रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में महिला का प्रसव कराया। वहीं हॉस्पिटल में अंधेरा होने की वजह से 2 अन्य गर्भवती महिलाओं को अन्य हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आरोप है कि अज्ञात कारणों के चलते बिजली विभाग ने अस्पताल का कनेक्शन काट दिया, जिसका खामियाजा इलाके के गरीब और आदिवासी मरीजों और गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी कराने वाले नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि यदि समय पर महिला की डिलीवरी नहीं होती तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता था, इसलिए रिस्की होने के बाद भी उन्होंने मोबाइल की रोशनी में ही डिलीवरी कराने का निर्णय लिया। खैर जो भी हो, इस घटना ने सभी को सकते में तो डाल ही दिया है, साथ ही सरकार की चरमराती व्यवस्थाओं को धता दिखा दिया है।